हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हम सारंग को मार दें या फिर उसे अरेस्ट करवा दें। जब तक वो असली कॉइन मिल नहीं जाता, उसका जिंदा रहना जरूरी है। इस चिप के जरिए किसी भी आदमी की पूरी सोच को बदला जा सकता है। कॉइन मेरे हाथ में है और कैश तुम्हारे। आई प्रॉमिस यू माया, मैं उस कॉइन को ढूंढ के रहूंगा। कॉइन ढूंढो और मेरे पास आके अपनी मेमोरी ले जाओ। कौन हो तुम? माया। एक और नई माया, एक और नई कहानी। सो व्हाट्स योर स्टोरी? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ प्रिंस, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। आई विल टेल यू द ट्रूथ। ना तो तुम सारंग के राइट हैंड हो और ना ही कोई सीबीआई ऑफिसर। तुम और मैं तो प्रोफेशनल चोर हैं। हम दोनों कई बरसों से सारंग के साथ काम कर रहे थे। फिर वही कहानी, नया ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग। आगे बोलो। कुछ महीने पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम ये काम छोड़ देंगे एंड सेटल डाउन। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। सारंग का ऑर्गेनाइजेशन एक वन वे स्ट्रीट है जहां कोई यूटर्न नहीं है। हमारे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हम सारंग को मार दें या फिर उसे अरेस्ट करवा दें। वी चोज द सेकेंड ऑप्शन। हमने सीबीआई ऑफिसर खान को कॉन्टैक्ट किया। हमने उसे ऑफर दिया कि हम सारंग को अरेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन इसके बदले हमें अपने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से आजादी चाहिए। खान मान गया। कुछ दिनों बाद सारंग ने हमें एक एंटी गोल्ड कॉइन चोरी करने का काम सौंपा। हमें जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया। प्लान ये था कि चोरी करने के बाद जब हम कॉइन की डिलीवरी सारंग को करेंगे, तब ऑफिसर खान उसे रंगे हाथों अरेस्ट कर लेगा। प्लान जितना अच्छा था उतना मुश्किल भी था। Unknown elements on the bridge. Eagle wants all units unknown elements on the bridge. Copy that. Hold the convoy. Hold the convoy. Alpha team, clear the bridge now. Move out! Move out! Move, move, move! Hey, you! Put your hands up in the air right now! Leader to Eagle 1 and 2. Take position. Take position. Eagle 1, coming into position. Eagle 2, coming into position. I have a clear shot. All units move up. Blue team, stay with the package. I repeat, stay with the package. Put your hands up in the air. It's a hologram! Code red! Code red! Eagle 1 and 2, do you see anything? Speedboat approaching, look down under the bridge. Copy that, take position. Go, 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 move back! Move, move, move! Take position! Fire at will!
हम कामयाब तो हुए पर ये नहीं जानते थे कि वो कॉइन और उस रॉबरी से हमारी आने वाली जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। Go on. मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगी प्रिंस। इसके आगे की कहानी तुम्हें खुद सीबीआई ऑफिसर अली खान बताएंगे। You should have let me kill him, Sarang. क्यों रोका मुझे? Sarina, don't make it personal. Ever again. जब तक वो असली कॉइन मिल नहीं जाता, उसका जिंदा रहना जरूरी है। मरना तो उसे है ही। दो साल तक प्यार किया है, दो दिन नफरत भी कर लो। अभी तो सिर्फ तुम्हारे प्रिंस की एक आह निकली है। अभी तो बहुत दर्द होना बाकी है, बहुत खून बहना बाकी है। हेलो प्रिंस, लगता है मुझे अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। खान, अली खान। वैसे तो हमारी दुश्मनी या यूं कहूं दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन यह वक्त पुरानी बातों को याद करने का नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि सारंग ने तुम पर कॉइन इस्तेमाल किया है। सिर्फ एक सवाल, What the bloody hell is this coin? बताता हूं, कम लाइट्स। इस कॉइन की बायोग्राफी यहीं से शुरू होती है। तारीख 24 अगस्त 2001, जगह ग्वालियर की डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी। किरदार देश के चुने हुए साइंटिस्ट की एक टीम जो सीक्रेटली नैनो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी, जिसमें सबसे जहीन थे ये डॉक्टर राम। पूरे 8 साल बाद डॉक्टर राम को उनके सीक्रेट मिशन में कामयाबी मिली। मिशन आईग्रिप का था। आईग्रिप इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी थी। ऐसा क्या बना रहे थे डॉक्टर राम? डॉक्टर राम ने एक पाथ ब्रेकिंग मेमोरी चिप बनाई थी। इस चिप के जरिए ह्यूमन मेमोरी को कंप्यूटर डिस्क पर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसे ऑल्टर करके फिर ह्यूमन ब्रेन में री इम्प्लांट किया जा सकता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इस चिप के जरिए किसी भी आदमी की पूरी सोच को बदला जा सकता है। दुश्मन की मेमोरी को ऐसे बदला जा सकता है कि वो इस बात पर यकीन करने लगे कि वो हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। एक सुपर इंटेलिजेंट आदमी की मेमोरी को हजारों लोगों में इम्प्लांट करके उन सबको सुपर इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। एक क्रिमिनल की मेमोरी को बदलकर उसे अच्छा आदमी बनाया जा सकता है। द पॉसिबिलिटीज वर इमेंस, मेडिकली एंड ऑल्सो फॉर द कंट्रीज डिफेंस। ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है प्रिंस, तुम्हारे साथ। 2 हफ्ते पहले जब डॉक्टर राम इस मेमोरी चिप का प्रेजेंटेशन आईग्रिप को करने वाले थे, उसी वक्त उनकी लाश संदिग्ध हालत में मिली। वो चिप और उसका सॉफ्टवेयर भी मिसिंग था। टीम की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि यह काम उनके असिस्टेंट का था जो चिप को चुरा कर साउथ अफ्रीका फरार हो चुका था। आईग्रिप की इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि यह सौदा उसने किसी शेरी नाम के आदमी के साथ किया था। शेरी एक बहुत बड़ा एंटीक डीलर है जो केप टाउन से ऑपरेट करता है, और सारंग का सबसे बड़ा राइवल भी। वो डिफेंस सीक्रेट्स और आर्म्स की स्मगलिंग का धंधा करता है। शेरी इस चिप की कीमत को जानता था। उसने अपने इंटरनेशनल बायर्स को इस चिप के बारे में इन्फॉर्म किया और उसे बेचने के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट प्लान बनाया। अक्सर डरबन में ऑक्शन के जरिए शेरी अपने कीमती एंटिक्स बेचा करता था, और इसीलिए उसने इस चिप को एक एंटीक कॉइन में छुपा दिया। एग्जैक्टली। प्लान ये था कि डर्बन के एक एंटीक ऑक्शन में उस चिप को कॉइन के जरिए बेचा जाए, ताकि डील ऑफिशियल रहे और बायर्स चिप को आसानी से देश के बाहर ले जा सके। शेरी ने अपने दूसरे एंटीक के साथ चिप वाले कॉइन को भी लोकल पुलिस प्रोटेक्शन में केप टाउन से डर्बन भेजने की तैयारी की। शेरी का प्लान अच्छा तो था, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो उसके सबसे बड़े राइवल के पास था। तुम दोनों दुनिया के सबसे चालाक और प्रोफेशनल चोर,
हमने जब उस कॉइन को चुराया तब हमें उसकी असलियत का पता नहीं था। कॉइन हमारे हाथ में था और सरीना हमारे सामने खड़ी थी। या तो सारंग को हम पर शक हो गया था या फिर वो कॉइन के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता था। यही वजह थी कि हम ऑफिसर खान को कांटेक्ट नहीं कर सके। हम नहीं जानते थे कि उस दिन किस्मत हमारे साथ एक ऐसा खेल खेलेगी कि हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा आने वाला कल सब बदल जाएगा। खेल वही खेलना चाहिए जिसमें जीत पक्की हो। खेल चाहे कोई भी हो, जीतना आना चाहिए। Let's shake hands. कॉइन मेरे हाथ में है और कैश तुम्हारे। इस वक्त सब कुछ मेरे हाथ में है। कॉइन। Prince, my number one man. क्या डील ऑफर की है ऑफिसर खान ने मुझे पकड़वाने के लिए? जी करता है कि अभी गोली मार दूं, लेकिन हथियार पर जब जंग लग जाए तो उसे तोड़ा नहीं जाता, उसका जंग साफ किया जाता है। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है प्रिंस, ये चिप चुरा कर। जानते हो चिप क्या है? इस चिप से मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका सकता हूं। I can rewrite lives with it, starting with you. Mike. आज मैं तुम्हारा ये जंग साफ कर दूंगा। इसके जहन से माया की हर याद निकाल दो। कुछ भी नहीं बचना चाहिए माइक। मुझे वो प्रिंस चाहिए जो सांस ले तो सिर्फ सारंग के लिए, उसका हर कदम उठे तो सिर्फ मेरे लिए। आई वॉन्ट प्रिंस, माई नंबर वन मैन। बहुत पछताओगे। रिलैक्स माया, आज प्रिंस नहीं, मैं तुमसे कहूंगा इट्स शो टाइम। वी आर रेडी सर। देख लो माया, तुम्हारा प्रिंस तुम्हारी यादों से आजाद हो चुका है। अगली बार जब ये सोकर उठेगा तब ना तुम इसके जहन में रहोगी और ना ही इसकी दुनिया में। स्टॉप। नोबडी मूव्स। चिप मुझे वापस दे दो प्रिंस। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तो तुम कर रहे हो सारंग। माया वॉज राइट, बहुत पछताओगे। Thank you.
हमारे अलग होने से पहले ये डिसाइड हुआ था कि हम पीछा उस पर मिलेंगे, लेकिन मैं वहां पहुंची तो देखा पीके पहले ही वहां पहुंच चुका था। मैं समझ गई कि सारंग को वो कॉइन अब तक नहीं मिला है, वो अब भी उस कॉइन को ढूंढ रहे थे। सारंग से तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो इसलिए मैं तुम्हें चोरी छुपे ऑब्जर्व करती रही और कॉन्टैक्ट करने के लिए सही वक्त का इंतजार करती रही। इसका मतलब है अलग होने के एक घंटे बाद भी मुझे सब कुछ याद था, लेकिन माइक ने तो उस चिप के जरिए मेरी मेमोरी निकाल दी थी। जिस तरह कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर डिलीट करने के बाद उसके सारे ट्रेसेस खत्म करने के लिए उसे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है, उसी तरह तुम्हारे ब्रेन में उस वक्त तुम्हारी मेमोरीज का इमेज था जब तुम रात को सोए और सुबह उठे तो तुम्हारी सारी इमेज साफ हो गई। अब सवाल सिर्फ उस कॉइन का नहीं है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का है प्रिंस, जिससे अब तुम्हारी जिंदगी जुड़ चुकी है। Do you think वो खान से मिल चुका है? I know वो खान से मिल चुका है। ओह, तब तो उसे सब कुछ पता चल गया होगा। उसे सब पता होता तो वो खुद भाग कर मेरे पास आता, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मिला तो कल की सुबह प्रिंस की आखिरी सुबह होगी। प्रिंस, मैंने एक बात ऑफिसर खान से छुपाई है। उस दिन तुमने मुझे एक वॉइसमेल भेजा था। माया, मैं सेफ हूं, मैंने कॉइन छुपा दिया है, उस पे गांधी जी की नजर है। माया, लेटर्स का ध्यान रखना। लेकिन इसका मतलब क्या है? मैंने ये मैसेज किसी लैंडलाइन से फोन करके छोड़ा है, जरूर ये पे फोन होगा। वी शुड ट्रैक इट डाउन। आई हैव ऑलरेडी ट्रैक्ड इट डाउन। ये फोन बूथ ऑसबॉर्न रोड पर है। लेट्स गो। मैंने अपने मैसेज में कहा था कि मैंने कॉइन गांधी जी के हवाले किया है और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी माना जाता है। ओके, शायद कॉइन इसी में होगा। तुम एक काम करो, बाहर जाकर नजर रखो, मैं ये खोलता हूं। रूम है और यहीं से हमने अपनी सारी हाईटेक रॉबरीज प्लान की है। अच्छा हुआ तुमने पीके को इस बारे में नहीं बताया। फ्रेंड्स, ये मामूली आईसी नहीं है, ये हाई पावर ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं और ये है इनका रिसीवर। Move, Jack. Check in the kitchen. One guy, go inside. Oh. Boss, you're right. Maya and Prince were here. We also did their back, but... But you lost them. Right, boss. If you didn't know until the morning, then you'll be unaware. Come on, guys. Let's go find them. Come on, move it! इतने बड़े शहर में कहीं एक छोटी सी चीज छुपी है जिसे सब चाहते हैं। तुम ढूंढ लोगे? ये कॉइन दिखता कैसा है? How does it look?
बिल्कुल वैसे ही जैसे वो नकली कॉइन था जो तुमने सारंग को दिया था। राइट लेकिन मैंने वो नकली कॉइन अपने जूते में छुपाया क्यों था? तुमने नहीं, मैंने। वो नकली कॉइन मैंने रखा था। तुमने? सरीना अपना पूरा जाल तुम पर फैला चुकी थी। तुम उसे असली माया समझने लगे थे। अगर उस वक्त मैं तुम्हारे सामने भी आ जाती तुम मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करते। इसलिए मैंने वो नकली कॉइन तुम्हारे जूते में छुपाया। लेकिन देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। I promise you, Maya. मैं उस कॉइन को ढूंढ के रहूंगा तुम्हारे लिए। गुड मॉर्निंग प्रिंस। डोंट बी सो सरप्राइज्ड। मैं तुम्हारे उठने का ही वेट कर रहा था। हाउ डू यू से दिस, लाइफ इज टू शॉर्ट। अब तो तुम ब्रेन मैपर के बारे में सब कुछ जान गए होगे, सब कुछ। पर एक डिफेक्ट जो अभी बचा है, और उस डिफेक्ट का इफेक्ट यह है कि तुम जितनी बार सो के उठते हो उतनी बार तुम्हारी हार्ड डिस्क क्रैश होती है। और इस क्रैश के सिम्टम्स है नौशिया, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस और हेडेक। और अगर तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे ब्रेन में रीलोड नहीं की गई तो बार बार ऐसे ही तुम्हारा ब्रेन क्रैश होता रहेगा। इससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है प्रिंस, सडन डेथ। इस हालत में तुम 6 दिन जी सकते थे, आज 6ठा दिन है। इनफैक्ट अब सिर्फ 8 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। कॉइन ढूंढो और मेरे पास आके अपनी मेमोरी ले जाओ। आई लॉट किल यू प्रिंस, जस्ट गिव मी द कॉइन। प्रिंस, आई डोंट वॉन्ट यू टू डाई। एटलीस्ट अपनी यादों के बिना तुम्हें मरना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो प्रिंस? महात्मा गांधी मेमोरियल पोस्ट ऑफिस, ऑसबॉर्न रोड। ये तो उसी फोन बूथ के पास में है। महात्मा गांधी पोस्ट ऑफिस डबन में? माया, आई थिंक दिस कुड बी इट। वी शुड गो चेक इट आउट।